में आपके साथ मैं हूं वरुण त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में आज आपके लिए खबरें क्या क्या हमें पता है कि आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का असली विचार। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर किया करते हैं। अगर हम चाहे तो हर चीज को हम संभव माने तो पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अब खबरों का रुख कर लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया था। अब संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने इसका ऐलान भी कर दिया है। एसकेएम ने इसका ऐलान किया है कि 22 जुलाई से मानसून सत्र की समाप्ति तक हर रोज संसद के बाहर 200 प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करेंगे। इसमें हर किसान संगठन की तरफ से 5 सदस्य शामिल होंगे। बता दें एसकेएम ने कहा है कि 17 जुलाई से सभी विपक्षी दलों को एक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा। आगामी आने वाले संसद सत्र में विपक्षी दलों को किसान आंदोलन की सफलता के लिए काम करने की चेतावनी भी दी जाएगी। एसकेएम ने कहा है कि हमने सरकार को पहले ही बता दिया है कि किसान नए कानून निरस्त करने से कम नहीं मानेंगे। ये निर्णय सिंघू बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उपस्थित रहे प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, मेयर सीताराम जायसवाल, सांसद रवि किशन, सांसद कमलेश पासवान, सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने एनेक्सी भवन में बीजेपी महानगर और जिला के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने 6 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी करीब 150 करोड़ रुपए की घोषणाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं शहर क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने भी जनसभा को संबोधित किया। कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवाद के मोर्चे पर एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये चुनौती हाइब्रिड आतंकवादियों की मौजूदगी है जिन्हें चरमपंथी के तौर पर चिन्हित नहीं किया है, लेकिन ये इतने कट्टर है कि किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि गत कुछ हफ्तों में श्रीनगर शहर सहित घाटी में आसान लक्ष्यों पर हमले बढ़े हैं और अधिकतर घटनाओं को पिस्तौल से लैस युवाओं ने अंजाम दिया है जिनके नाम सुरक्षा बलों द्वारा तैयार आतंकवादियों की सूची में शामिल नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस नई परिपाटी ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है क्योंकि इन हाइब्रिड आतंकवादी या फिर पार्ट टाइम आतंकवादियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है और ये सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। बता दें देहरादून स्थित राजभवन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धामी के अलावा बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, विष्णु सिंह चुफार, सुबोध उनिया, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी के शपथ से पहले उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक नाराज बताए जा रहे थे। बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज से पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण से पहले खुद जाकर मुलाकात की थी। वहीं पार्टी सांसद अजय भट्ट को भी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अजय भट्ट ने कई विधायकों से बात की। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खांडूली समेत कई नेताओं से धामी ने मुलाकात की थी। अजय भट्ट से मुलाकात के बाद विष्णु सिंह चौपाल ने कहा कि नाराजगी की खबरें बिल्कुल गलत है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले यशपाल आर्य के घर पर भी एक बैठक हुई थी। इसमें विष्णु सिंह चौपाल, धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट शामिल हुए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर आज बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। चिराग के नेतृत्व वाले खेमे ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी समूह से जारी लड़ाई के बीच सड़क पर उतर रहे हैं। बता दें चिराग ने कहा है कि हाजीपुर से यात्रा शुरू करने का ये महत्वपूर्ण फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि रामविलास पासवान कई बार यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए
और अब सदन में इसी सीट का प्रतिनिधित्व पशुपति पारस कर रहे हैं। जिराफ ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की कर्म भूमि थी, ये यात्रा बिहार के प्रत्येक जिले से होकर गुजरेगी और इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय परिषद आयोजित होगी और पटना में एक जनसभा भी की जाएगी। यात्रा करीब 2 महीने में सम्पन्न होगी। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है। दरअसल सरकार ने अभी भी सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का फैसला लिया है और एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखा है। हालांकि स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक 6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही डीडीएमए द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने की इजाजत थी लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहाँ दर्शक नहीं होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भी सियासी उथल पुथल काफी तेज हो गई है। सरकार अभी महाविकास उगाड़ी की है लेकिन चर्चा बीजेपी और शिवसेना की होने लगी है। कहा जा रहा है कि दो पुराने साथी फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ये भी अटकलें हैं, इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई बार बड़े नेताओं द्वारा इस तरफ इशारा किया गया है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी और शिवसेना फिर साथ आ सकती है तो क्या फिर कोई गठबंधन की उम्मीद हो सकती है, इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना के दुश्मन नहीं है। उन्होंने बोला कि राजनीति में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती। हमारे शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो हमारी दुश्मन नहीं है। अब फडणवीस का ये कहना है ही दिखाता है कि शिवसेना बीजेपी के बीच जो विधानसभा चुनाव के बाद तकरार बढ़ गई थी अब वो कम होती जरूर दिख रही है। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।